नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपके दांतों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अगर आपके दांतों में कैविटी है, दांतों में सड़न हो गई है, दांत काले पड़ गए हैं, आपकी जाड़ अंदर से खोखली हो गई है, जाड़ में ठंडा गर्म पानी लगता है, झंझनाहट होती है, या जाड़ दांत में बहुत तेज दर्द होता है जिससे आपको नींद भी नहीं आती, अगर ये दर्द रात में हो जाए तो पूरी पूरी रात आपको बैठकर बितानी पड़ती है, तो इन सभी समस्याओं में दोस्तों हम करते क्या हैं? हम नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास जाते हैं और उस जाड़ को निकलवा देते हैं। जाड़ को निकलवा दिया और झंझट खत्म। या कुछ लोग उसके अंदर RCT करवा लेते हैं। दोस्तों ये दोनों ही प्रक्रिया गलत हैं। प्रकृति ने आपको जैसे दांत दिए हैं, अगर आपने वो दांत निकलवा लिए हैं और उनकी जगह पर नकली दांत लगवा लिए हैं, तो नकली दांतों के अंदर तो संवेदना होती नहीं। ऐसे दांतों से जब आप भोजन करोगे तो आपको वो पहले वाला एहसास बिल्कुल नहीं होगा, सब कुछ आपको नकली नकली सा लगेगा। या आपने RCT करवा ली, उनकी संवेदना को बिल्कुल खत्म कर दिया, उसको भी मैं ठीक नहीं मानता हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में होम्योपैथी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा कि अगर आपके किसी जाड़ के अंदर कैविटी हो गई है, जाड़ काली पड़ गई है, या जाड़ में दर्द रहता है, उसमें ठंडा गर्म लगता है, तो जैसे ही आप इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करोगे, इसे अपने मुंह में डाल के उसका कुल्ला करोगे, तो 5 मिनट के अंदर अंदर ही आपका दर्द बिल्कुल बंद हो जाएगा। और अगर आप इस कॉम्बिनेशन को लगातार 10 से 15 दिन इसके कुल्ले करते हैं, तो आपकी दांतों की कैविटी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, दांतों में ठंडा गर्म पानी लगना बंद हो जाएगा, झंझनाहट दांतों की ठीक हो जाएगी और आपको अपनी जाड़ दांत निकलवाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए आपको होम्योपैथिक डॉक्टर के पास से 3 मदर टिंचर लेके आने हैं। पहले मदर टिंचर का नाम है प्लांटेगो मदर टिंचर, दूसरा क्रियोजोटम मदर टिंचर और तीसरा कैलेंडुला मदर टिंचर। इन तीनों मदर टिंचर को आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से 30-30 ml की फाइल में ले आइए। तीनों को एक जगह मिक्स कर लीजिए। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, झंझनाहट होती है, ठंडा गर्म पानी लगता है, तो आपको तुरंत इस कॉम्बिनेशन की 20 बूंदें आधे कप में नहीं, आधे से भी आधे कप में, यानी कि लगभग 10 ml पानी में आपको इसमें 20 बूंदें डाल लेनी है और इसे मुंह में डाल के कुल्ला करना है। जिस वाली जाड़ में आपको दर्द है, उस वाली जाड़ के ऊपर उस मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन को रोक के रखना है। दोस्तों ध्यान दें, इसको आपको खाना नहीं है, निगलना नहीं है, केवल 5 मिनट के लिए इसे अपने मुंह के अंदर रोक के रखना है, उसके बाद आप इसको बाहर निकाल दें। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जाड़ का दर्द तुरंत ही बंद हो जाएगा। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन आपकी जाड़ की कैविटी को जड़ से खत्म कर देगा, आपकी जाड़ का कालापन दूर हो जाएगा, जाड़ की सड़न दूर हो जाएगी और आपको जाड़ निकलवाने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके जो जाड़ दांत हैं वे बिल्कुल नेचुरल रहें, उनको निकलवाकर आपको नकली जाड़ और दांत ना लगवाने पड़े, तो आप आज ही ये होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बना लीजिए। दोस्तों अगर आपके दांतों में सड़न है तो आप इसको दिन में 3 बार इस्तेमाल करें और इसे लगभग 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद में बंद कर दें। इस बचे हुए कॉम्बिनेशन को आप अपने घर में रखें। अगर आपके घर में किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को कभी उनके जाड़ और दांतों में दर्द होता है, अचानक से रात में दर्द बन जाता है, तो उन्हें आप दे सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं करीब करीब रोज ही ऐसा ही एक नॉलेज देने वाला वीडियो लेकर आता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार।